हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर साइंस एकेडमी। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे जीके के टॉप 10 सीरीज लेके आया हूँ मैं। इसके लिए आपको इसमें पहले मैं अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बता दूँ। जो अनअकैडमी बैच आपके स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले जो टेस्ट होना है आपका 28 मई को दोपहर 2 बजे होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट यानी FLT होगा आपका। एमपी पटवारी का जो टेस्ट होना है शाम को दोपहर 3 बजे होगा, 29 मई को। इसी तरीके से SI का बैच भी आपका होगा, जो टेस्ट होगा 29 मई को शाम को 5 बजे होगा इसमें। ठीक है, फिर 40 डेज का रिवीजन बैच जो स्टार्ट होगा आपका, हो चुका है, 4 मई से स्टार्ट हुआ। इसमें पूरा प्रीलिम्स का कोर्स कवर कराया जाएगा। इसमें 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स जिसमें 11 मई से स्टार्ट हुआ है, इसमें आपका कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और एंसर राइटिंग तीनों कवर कराया जाएगा। जो अनअकैडमिक टॉप एजुकेटर हो आपको पढ़ाएंगे इसमें। इसी तरीके से आपका इसमें 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स में ही आपको इसमें ये और स्टार्ट हुआ है 25 मई से, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं एजुकेटर पूरे इसमें आपको अलग मिल जाएंगे। इसके ये सारे कोर्सेज जो मई में लॉन्च हुए हैं या इसके पहले भी जो लॉन्च हुए हैं, सारे कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएंगे। इसके लिए कोड यूज़ करना है क्या, कोड यूज़ करना आपको इसके लिए PG लाइव इसमें आपको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन इसमें आपका, एक सेकंड हो जाएगा। 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यह किया था आपका रेमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वो निकट सहयोगी कौन थे? ये थे आपके इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यह गया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? डायर ने दिया था, जनरल डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था इसमें आपका क्रिप्स का ग्रहण करने छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद जी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे कोलकाता में थे उस समय। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो ये बने थे आपका सी राजगोपालाचारी। ये थे जीके टॉप 10 क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।